तो भैया आज ही हमारे पास IDFC फर्स्ट बैंक का ये पावर प्लस क्रेडिट कार्ड। तो इस वीडियो में हम इस क्रेडिट कार्ड की एक एक इन्फॉर्मेशन को जानेंगे और ये क्रेडिट कार्ड हमें मिला है बिना किसी इनकम प्रूफ के। मतलब इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए किसी प्रकार का कोई हमने इनकम प्रूफ दिया ही नहीं है, ना ही हमारी कोई KYC हुई, ना कोई वेरिफिकेशन हुआ, और इस क्रेडिट कार्ड पर आपको मिलते हैं जबरदस्त बेनिफिट। तो इस वीडियो में समझते हैं हम इस क्रेडिट कार्ड की एक एक जानकारी को। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आती तो एक लाइक कर दीजिएगा। गाइस, सबसे पहले हम इस क्रेडिट कार्ड की अनबॉक्सिंग करते हैं, इसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाएंगे। ये क्रेडिट कार्ड बेसिकली हमने 20 दिन पहले अप्लाई किया था, आपको वीडियो दिया था, लेकिन अभी ये क्रेडिट कार्ड हमें रिसीव हुआ है क्योंकि कुछ पर्सनल इशू वजह से हम यहाँ पर नहीं थे, तो ये क्रेडिट कार्ड हमें नहीं मिल पाया और वो भाई किसी दूसरे व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड देने के लिए रेडी नहीं थे। तो ये कार्ड आपको कुछ इस प्रकार की पैकिंग के साथ मिलेगा कि काफी बढ़िया पैकिंग है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर हमें मिलते हैं भाई साहब ये सारे डॉक्यूमेंट। और यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलता है एक इस प्रकार का कार्ड जिसमें आपको बेनिफिट बताएगा, और यहाँ पर आपको इस प्रकार से मिलेगा एक पूरा का पूरा बुक, और इसी के अंदर हमारा रहता है क्रेडिट कार्ड। तो हम अपने क्रेडिट कार्ड को खींचते हैं भाई। ये देखिए, इस प्रकार से मिलेगा आपको क्रेडिट कार्ड जो कि काफी जबरदस्त क्रेडिट कार्ड है भाई साहब, पावर प्लस क्रेडिट कार्ड है। और ये कार्ड आपको मिल रहा है रुपए नेटवर्क पर, तो हम इसको किसी भी UPI एप्लीकेशन पे लिंक कर सकते हैं और इजिली अपने QR कोड वगैरह स्कैन करके पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक साइड में इसका जो नंबर है वो यहाँ पर ब्लर कर दिया है। तो भाई यहाँ पर देखिए काफी अच्छा क्रेडिट कार्ड है, प्लास्टिक बॉडी है लेकिन फिर भी बहुत ही जबरदस्त है। अगर हम यहाँ पर लिमिट की बात करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड पर हमारे लिए 43,000 रुपए की लिमिट दी गई है। तो ये तो रही इस क्रेडिट कार्ड की अनबॉक्सिंग, चलिए अब हम समझते हैं इस क्रेडिट कार्ड के सारे बेनिफिट, क्योंकि किसी भी क्रेडिट कार्ड पर बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो, बेनिफिट में इस क्रेडिट कार्ड पर आपको बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट दिए जाते हैं IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से। तो इस क्रेडिट कार्ड पर आपके लिए HPCL फ्यूल स्पेंड एंड LPG स्पेंड पर 6.5% तक का वैल्यू बैक देखने को मिल जाता है, लेकिन ये वैल्यू बैक आपको 3 जगह मिलता है। तो यहां पर इसको समझना आप, तो जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से HPCL के पेट्रोल पंप पर कुछ स्पेंड करते हैं तो आपके लिए इस क्रेडिट कार्ड पर 4% का वैल्यू बैक मिलता है, और ये वैल्यू बैक आपको जो मिलेगा ये रिवार्ड पॉइंट के रूप में मिलेगा। तो इस कार्ड से अगर आप HPCL के पेट्रोल पंप पर 150 रुपए स्पेंड करते हैं तो यहां पर आपके लिए 24 रिवार्ड पॉइंट मिल जाते हैं। 24 रिवार्ड पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो यहां पर होती है 6 रुपए। तो यहां पर आप लोगों के लिए इस प्रकार से 4% का वैल्यू बैक डायरेक्टली आपको इस कार्ड पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको 1.5% का बेनिफिट मिलता है HP पे ऐप में, HP का खुद का एक एप्लीकेशन है, तो उसमें आपको रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं 1.5% के हिसाब से, तो उन रिवार्ड पॉइंट को आप बाद में रिडीम कर सकते हैं। यहां पर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज का बेनिफिट मिलता है। तो इस प्रकार से यहां पर आपके लिए टोटल 6.5% तक के वैल्यू बैक देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ध्यान देना इन पर कुछ कैपिंग लगी हुई है, जैसे कि 4% का सेविंग आप कर सकते हो एक महीने में केवल 10,000 रुपए, 1.5% के हिसाब से HP पे ऐप में आप 5,000 रुपए एवरी मंथ कमा सकते हो, और जो 1% का आपका फ्यूल सरचार्ज का बेनिफिट होता है ये आप एक महीने में 20,000 रुपए तक का ले सकते हो। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 5% की सेविंग होती है यूटिलिटी एंड ग्रोसरी एक्सपेंस पे। मतलब इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप यूटिलिटी और ग्रोसरी कैटेगरी में कुछ खर्च करते हो तो आप यहां पर 5% तक का सेविंग कर सकते हो, जिसमें आपको रिवार्ड पॉइंट दिए जाएंगे 5% के हिसाब से। तो जब भी आप अपने इस क्रेडिट कार्ड से ग्रोसरी एंड यूटिलिटी स्पेंड पे कुछ भी खर्चा करोगे तो आपके लिए 150 रुपए स्पेंड करने पर 30 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे, जिनका वैल्यू बन जाता है यहां पर 5% के हिसाब से। इसके अलावा आपके पास अगर IDFC फर्स्ट बैंक का फास्टैग है तो आप उसका रिचार्ज अगर करते हो IDFC फर्स्ट बैंक ऐप से और इस क्रेडिट कार्ड से करते हो पेमेंट, तो आपके लिए यहां पर 5% का वैल्यू बैक उस पर भी देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको यहां पर ये बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं, और इस क्रेडिट कार्ड में जो बेनिफिट यहां पर आपको मिलेंगे सारे वो आपके रिवार्ड पॉइंट के रूप में आपको मिलेंगे, जिन्हें आप रिडीम कर सकते हो IDFC फर्स्ट बैंक के रिवार्ड पॉइंट पोर्टल में जाकर के। काफी अच्छा इनका रिवार्ड पॉइंट सिस्टम है, आप इन रिवार्ड पॉइंट से अमेज़न, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे ब्रांड के गिफ्ट कार्ड वगैरह खरीद सकते हो। इसके अलावा यहां पर आपको मिलते हैं वेलकम बेनिफिट, जिसमें आपके लिए HPCL के फर्स्ट ट्रांजेक्शन पर 500 रुपए का स्पेंड करने पर 500 रुपए का ही कैशबैक आपको इस कार्ड में देखने के लिए वापस मिल जाएगा। इसके अलावा जब भी आप अपने इस क्रेडिट कार्ड से अपनी फर्स्ट EMI बनाते हो तो आपके लिए 5% के हिसाब से 1,000 रुपए तक का कैशबैक देखने को मिल जाएगा। बाकी स्विगी पर 500 रुपए का ऑर्डर करने पर आपको 150 रुपए का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो भाई इस प्रकार से इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट वगैरह आपको यहां पर मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको यहां पर और भी कुछ बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री रोड साइड असिस्टेंट का बेनिफिट मिलता है, जिसमें 1,399 रुपए तक का बेनिफिट यहां पर आपको मिल जाता है। यहां पर आपको मूवी टिकट के भी बेनिफिट मिलते हैं,
जिसमें आप एवरी मंथ 25% के हिसाब से 100 रुपए तक का बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आपको 2,00,000 रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल कवर मिलता है, 25,000 रुपए तक का लॉस्ट कार्ड लॉयल्टी कवर मिलता है। तो इस प्रकार से आपको इस क्रेडिट कार्ड पर बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। अगर भाई साहब यहां पर हम बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस की, तो इस क्रेडिट कार्ड का चार्ज है जॉइनिंग फीस 499 रुपए और इसका एनुअली फीस है 499 रुपए। लेकिन जैसे ही आपका जॉइनिंग फीस आपको लगेगा 499 रुपए, तो इसके बदले में आपको 500 रुपए का कैशबैक मिलेगा 500 रुपए का ट्रांजेक्शन करने पर HPCL के पेट्रोल पंप पे। तो आपका जॉइनिंग फीस तो बराबर हो जाएगा। रही बात एनुअली फीस की, तो इसमें आप अगर 1 साल के अंदर 1.5 लाख रुपए स्पेंड कर लेते हैं तो आपके लिए इसका एनुअली फीस भी नहीं लगेगा, वो भी वेव अप हो जाएगा। बाकी एक रुपए क्रेडिट कार्ड है तो हम इसको किसी भी एप्लीकेशन में UPI से लिंक भी कर सकते हैं, तो ये भी इसका एक अच्छा बेनिफिट मान सकते हैं आप। अगर हम बात करते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड हमें किस प्रकार से मिला बिना इनकम प्रूफ के, तो हमारे इस क्रेडिट कार्ड को मिलने की शुरुआत होती है हमारे इस वाले FD वाले क्रेडिट कार्ड से। सबसे पहले हमने IDFC फर्स्ट बैंक में अपना ये वाला क्रेडिट कार्ड लिया था, जो कि 1,00,000 रुपए की FD करके हमने लिया था। 1,00,000 रुपए की लिमिट के साथ हमें ये कार्ड मिल गया था। लगभग 1 साल पहले की बात है जब हमने इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया था। उसके बाद ये कार्ड हमारा चलता रहा और इस क्रेडिट कार्ड को 5 से 6 महीने हुए और इसी क्रेडिट कार्ड के बेस पर IDFC फर्स्ट बैंक ने हमें ये वाला क्रेडिट कार्ड दिया। हमारे लिए ब्रांच से कॉल आया था, हमारी होम ब्रांच से, जिसमें हमें बताया था कि आपके लिए IDFC फर्स्ट बैंक द्वारा फर्स्ट क्लास से क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है प्री अप्रूव आपके वाओ क्रेडिट कार्ड के बेस पर, तो क्या आप अप्लाई कराना चाहेंगे। तो ये कॉल हमारे एसोसिएट मैनेजर का था, तो हमने हाँ बोला और एक OTP बताया और हमारे लिए भाई साहब ये वाले कार्ड के बेस पर ये हमारा फर्स्ट क्लास से क्रेडिट कार्ड उन्होंने दे दिया। और इस वाले क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट हमें दिया गया था वो था 43,000 रुपए। तो ये वाला कार्ड हमें मिल गया, ये बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड थे दोनों हमारे ये वाले। और हमारे फर्स्ट क्लास से क्रेडिट कार्ड को 4 से 5 महीने ही हुए थे। इसके बाद हमें फिर से एक कॉल आ गया हमारी होम ब्रांच से और इन्होंने बताया था कि मनीष भाई आपके लिए फिर से IDFC फर्स्ट बैंक एक दूसरा वाला HPCL का पावर प्लस क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा है, तो आप लेना चाहेंगे क्या। तो हमने बोला ठीक है भैया दे दीजिएगा। तो इन्होंने फिर हमारे लिए ये वाला क्रेडिट कार्ड अप्लाई कराया। सेम प्रोसेस से हमने एक OTP बताया और उन्होंने 5 मिनट के अंदर हमारा क्रेडिट कार्ड अप्लाई कराया और 5 मिनट के अंदर ही हमारा क्रेडिट कार्ड हमारे एप्लीकेशन में शो भी होने लगा था। इंस्टेंटली सब कुछ हमारा काम हो गया था और अभी ये क्रेडिट कार्ड आप देख सकते हैं हमारे घर पे भी आ चुका है कुरियर के द्वारा। तो भाई इस क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट हमारे लिए दिया गया है वो हमारे फर्स्ट क्लासिक क्रेडिट कार्ड के लिमिट में मर्ज करके दिया गया है, यानी कि 43,000 रुपए ही लिमिट हमारे इस वाले क्रेडिट कार्ड का है। तो हम किसी भी क्रेडिट कार्ड को अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो 43,000 रुपए में से ही हमारा इधर उधर होता रहता है, तो इसका लिमिट हमें अलग से नहीं दिया गया। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि IDFC फर्स्ट बैंक में हम कितने क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, एक व्यक्ति कितने क्रेडिट कार्ड रख सकता है। तो भाई साहब IDFC फर्स्ट बैंक में आप अपने 4 क्रेडिट कार्ड रख सकते हैं, जिसमें पहला क्रेडिट कार्ड आता है इनका FD वाला क्रेडिट कार्ड, आप एक ए वाला क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। दूसरा एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड आप रख सकते हैं जो कि विदाउट आपके FD के मिल जाता है आपको। और तीसरा एक UPI वाला HPCL का क्रेडिट कार्ड रखते हैं। इनके 2 क्रेडिट कार्ड आते हैं, एक आता है IDFC फर्स्ट बैंक पावर क्रेडिट कार्ड और एक आता है इनका IDFC फर्स्ट बैंक पावर प्लस क्रेडिट कार्ड। तो आप इन दोनों में से कोई एक क्रेडिट कार्ड रख सकते हो। इसके अलावा एक और इनका आता है क्लब विस्तारा क्रेडिट कार्ड, तो आप वो भी रख सकते हो। टोटल एक कस्टमर IDFC फर्स्ट बैंक में अपने 4 क्रेडिट कार्ड रख सकता है। तो इस प्रकार से अभी 3 क्रेडिट कार्ड हमारे लिए मिल चुके हैं और जो क्लब विस्तारा वाला क्रेडिट कार्ड है उसका भी ऑफर हमें मिला था, लेकिन उसका चार्ज काफी हाई है और हम कोई फॉरेन ट्रिप वगैरह करते नहीं है, तो मैंने उस क्रेडिट कार्ड को नहीं लिया, उसको मैंने मना कर दिया। तो इस प्रकार से हमारे लिए IDFC फर्स्ट बैंक में 3 क्रेडिट कार्ड मिल चुके हैं। अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेना है तो इसका लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप डायरेक्टली IDFC फर्स्ट पावर प्लस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं और आपके लिए क्रेडिट कार्ड मिल भी सकता है, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा अप्रूव हो रहा है। तो आप एक बार जरूर ट्राई करना है, इसको अप्लाई कर लेना। और अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है या फिर कोई सा भी क्रेडिट कार्ड आपको IDFC फर्स्ट बैंक में नहीं मिल रहा है, तो मैं आपके लिए ये सलाह दूंगा कि भाई सबसे पहले आप ये वाला एक FD वाला क्रेडिट कार्ड लीजिएगा, क्योंकि आप किसी बैंक में एक बार अगर क्रेडिट कार्ड को ले लेंगे फिर दूसरा क्रेडिट कार्ड मिलना बड़ा आसान हो जाता है। तो आपके लिए इस वाले क्रेडिट कार्ड का भी लिंक मिलेगा, वाओ क्रेडिट कार्ड नाम है इसका, तो आप इसको भी अप्लाई कर लीजिएगा। ये क्रेडिट कार्ड 2,000 रुपए की FD पे मिलना स्टार्ट हो जाता है। बाकी फिर आप जितनी ज्यादा FD करते हो उतनी ज्यादा आपको लिमिट यहां पर मिल जाती है, लेकिन 2,000 रुपए की FD करके आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हो। तो आप इस क्रेडिट कार्ड को लीजिएगा और इस क्रेडिट कार्ड को कुछ समय तक इस्तेमाल करिएगा, तो इसके बिहाव पर आपको IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड का ऑफर दे सकता है। इस प्रकार से हमारे लिए ये वाला क्रेडिट कार्ड मिल गया। अब हमें इस प्रकार से मिला, जरूरी नहीं कि आपको भी इस प्रकार से मिलेगा, आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर लेना, आपके लिए मिल सकता है। और IDFC फर्स्ट बैंक में क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, आप एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, तो आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई
कर सकते हो। अधिकतर लोगों को IDFC फर्स्ट बैंक में बिना इनकम प्रूफ के भी क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। अगर मैं पर्सनली अपने ओपिनियन की बात करता हूं कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है, इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो भाई साहब बहुत ही बढ़िया क्रेडिट कार्ड है। अगर आपको किसी क्रेडिट कार्ड पर 6% तक का वैल्यू बैक मिल रहा है HPCL एक्सपेंस पे, तो ये क्रेडिट कार्ड बहुत ही जबरदस्त है। इतना बेनिफिट आपको लगभग कोई क्रेडिट कार्ड पर देखने को नहीं मिलता है। बाकी आपको ग्रोसरी एंड यूटिलिटी पर भी 5% का वैल्यू बैक मिल रहा है। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट आपको इस पर देखने को मिल रहे हैं, तो बहुत ही जबरदस्त क्रेडिट कार्ड है। आप इसको अप्लाई करके जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है तो हमें कमेंट जरूर करना। वीडियो कैसा लगा आप बता देना कमेंट में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।